हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर, चेक द नंबर इज ऑटोमॉर्फिक और नॉट। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं? मान लीजिए कोई नंबर है 5, कोई नंबर है 5, अगर 5 का आप अगर स्क्वायर करते हैं, 5 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आपको एक नंबर मिलता है 25। तो कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट डिजिट, जैसे इसकी लास्ट डिजिट अगर ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल यहां पे लास्ट डिजिट देखेंगे, तो ये 5 अगर ये 5 के इक्वल होता है देन इस नंबर को क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये नंबर होता है। इसी तरीके से अगर हम नंबर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6, तो 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यहां पे आएगा 36। तो यहां देखो ये 6 और 6 ये दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल और भी हम ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप 25 नंबर लेते हैं, 25 अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 625। यहां देखिए 625, यहां पे 25, मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट है और ये नंबर की लास्ट, मतलब जो डिजिट है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक नंबर। इसका हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे थिंक करते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास। सबसे पहले क्या लिखना है? क्लास। क्लास मान लीजिए ऑटोमॉर्फिक टाइप के ले लीजिए, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, एक हमने क्लास दिया ऑटोमॉर्फिक टाइप की। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है? मेन फंक्शन डिजाइन करना है। क्या करना है? मेन फंक्शन डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पब्लिक, फिर आप लिखेंगे स्टैटिक, फिर आप लिखते हैं वाइड, फिर आप लिखेंगे मेन। मेन फंक्शन यहाँ पे आप स्ट्रिंग एस कैपिटल लिखिएगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लीजिए। ठीक है, उसका ब्रैकेट ओपन किया, आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है एक नंबर। हम सबसे पहले यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। अब सबसे पहले आपको ये देखना है स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ इनबिल्ट है, तो आपके लिए इसके लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लास से ऊपर आप एक लिखिएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या स्कैनर, मतलब आपको एक यहाँ पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, स्कैनर क्लास एक जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्टोर है। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे एक मैसेज दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ आप एक मैसेज देंगे एंटर द नंबर। क्या लिखेंगे? एंटर द नंबर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है इंटीजर टाइप का, इंट एन इज इक्वल टू एस सी, ये एस सी और ये एस सी आपका सेम होना चाहिए जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी टाइप का एक फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है। इस तरीके से आप एक इनपुट लेंगे इंटीजर में, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, सबसे पहले एक नंबर लेना है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेंगे, मतलब यहां पे 25। तो यहां पे आपको ध्यान देना है ये 5 5 के इक्वल होता है पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपको हमने बताया था 25, तो 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां 625। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर नंबर सिंगल डिजिट में है तो आपको लास्ट एंड में सिंगल डिजिट ही बाहर करना है, अगर आपका नंबर टू डिजिट नंबर है तो आपको लास्ट से टू डिजिट एक्सेप्ट करना है, वैल्यू लेना है। तो इसलिए आपको एक ऐसी टेक्निक सोचनी पड़ेगी जिससे आपको ये पता चले ये लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट हो। अगर मान लीजिए नंबर अगर सिंगल डिजिट है तो हम 25 को अगर मॉडुलस यहाँ पे 10 करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। हमें एक टेक्निक मिली, अगर सिंगल डिजिट है तो 10 फाइंड आउट हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल डिजिट है, आपका जो नंबर है ये 25 है, तो 25 अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे ये तो 5 के लिए है, अगर नंबर 25 है तो 25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 625 मिल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? 625 मॉडुलस 100, तो आपको यहाँ पे 25 मिलेगा। ये आपको एक लॉजिक समझ में आ रही है, तो आपको यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है अगर नंबर सिंगल डिजिट है तो आपको 10 की पावर 1 मिल रहा है,
नंबर यहां पे अगर 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 मींस 100 आपको फाइंड आउट हो रहा है। इस तरीके से आपको एक लॉजिक यहां पे समझनी होगी। यही लॉजिक अपने प्रोग्राम में आपको क्या करना है, इनबिल्ड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डिजिट काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा, डिजिट। कोई भी नंबर है तो उसका आपको सबसे पहले डिजिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डिजिट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अगर डिजिट सिंगल डिजिट है तो हमको 10 की पावर 1 फाइंड आउट करना है। अगर हमारी डिजिट की वैल्यू 2 है तो हमको 10 की पावर 2 फाइंड आउट करना है। अगर डिजिट की वैल्यू 3 है तो 10 पावर 10 का क्यूब फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हमको एक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसके लिए हम एक लॉजिक लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर की एक कॉपी तैयार करेंगे, तो यहां पे इंट कॉपी टाइप का एक नंबर ले लिया जिसमें हमने एन की वैल्यू को स्टोर कर लिया, मतलब ये ओरिजिनल नंबर को हमने कॉपी तैयार कर लिया। अब हमको क्या करना है, डिजिट कैलकुलेट करना है कि कितनी डिजिट है। तो हम यहाँ पे इंट एक डिजिट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें इनिशियल वैल्यू हमने 0 डिफाइन कर दिया, हमने उसकी एक इनिशियल वैल्यू फिक्स कर दी, कितना 0। यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजिट को कैलकुलेट करना है। तो हमको डिजिट को अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां एक व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल व्हाइल में हम लिखेंगे कॉपी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले जो कॉपी है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। यहां तक समझ में आया आपको। अगर कॉपी ग्रेटर देन 0, जब तक ये चलेगा लूप जब तक कॉपी की वैल्यू 0 ना हो जाए। और फिर यहां आपको क्या करना है, डिजिट प्लस प्लस डिजिट को इंक्रीमेंट कर देना है कि जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतने टाइम डिजिट काउंट होगा। और फिर यहां लिख देना है कॉपी डिवाइड कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइड बाय 10। इस तरीके से डिजिट को वो करना है। इस तरीके से आप जब ये लॉजिक लिखेंगे तो आपको एक डिजिट काउंट हो जाएगा। अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो डिजिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर टू डिजिट का नंबर है तो आपको डिजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां तक आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोई भी नंबर है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी नंबर है उसको अगर स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 25 मिलेगा। तो 25 में 5 को अलग करना है, ये आपकी लॉजिक है। हमको एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, यहां तक तो आपको डिजिट कैलकुलेट कर ली। स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, इंट आप एस क्यू स्क्वायर के लिए हमने एस क्यू टाइप का वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां नंबर का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, नंबर का। तो आप यहां लिखेंगे, आप यहां n into n, आप चाहे ये लिखिए चाहे आप n डॉट पावर भी यूज कर सकते हैं, आप यहां पे n into n भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां लिख सकते हैं मैथ डॉट पाव n कॉमा 2, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहां पे n into n लिख रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको 10 की पावर कैलकुलेट करनी है, 10 पावर 1 या 2 या 3 जितनी डिजिट्स हैं। हमको सबसे पहले यहां पे इंट एक पाव नाम का वेरिएबल लेना है जिसमें हमको पावर को कैलकुलेट करना है। हमने पावर कैलकुलेट करने के लिए यहां पे लिखा मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट पाव एक पावर नाम का फंक्शन लिया है जो पहले से प्री डिफाइंड है। इसमें हमने लिखा 10 कॉमा डिजिट, आपने लिखा 10 कॉमा डिजिट। इस तरीके से जैसे आपने ये लिखा, आपको अगर डिजिट मान लीजिए नंबर अगर आपने 5 लिया, नंबर आपने क्या कैलकुलेट किया 5, तो 5 क्या है, सिंगल डिजिट है। 5 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर। तो यहां पर डिजिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 10 कॉमा 1 हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी 10.0। हमको स्टोर करना है इंटीजर में, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एरर मैसेज आने लगे। तो आपको यहाँ पे पहले इस नंबर को, जो ये नंबर है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसके पहले इंटीजर। तो ये जो नंबर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर, जिसको क्या बोलते हैं, आपकी टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, पहला इम्प्लिसिट दूसरा एक्सप्लिसिट। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से आप जो डबल वैल्यू है उसको इंटीजर में आपने कन्वर्ट करके पावर में स्टोर कर दिया। अब हमको नंबर को कंपेयर करना है, तो आप यहां पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यदि इफ। अब कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, जो आपने स्क्वायर निकला है मान लीजिए 25, अगर इसको आप 10 से मॉड करते हैं, 25 को पावर से मॉडुलस करते हैं, sq mod पाव, यहां पाव टाइप का वेरिएबल आपने लिखा है, ठीक है, या आप यहां पे पावर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पावर लिख दीजिएगा। अगर स्क्वायर मॉड पावर इसकी वैल्यू जब करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ये डबल इक्वल हो जाता है ओरिजिनल नंबर के, मतलब जो आपका स्क्वायर मॉड पावर की वैल्यू है वो अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाती है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिक नंबर। इस नंबर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप एक मैसेज लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पे आप लिख देंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। और else में मैसेज दे देंगे, फिर से आप यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहां पे लिख देंगे नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप एक ऑटोमॉर्फिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमको समझने के लिए हमें इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम टेक्निक बता रहे हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सपोज ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, या क्या है आउटपुट स्क्रीन है। तो आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो सबसे पहले हम फाइल लेके चलते हैं, यहां पे नंबर आपने लिख दिया फाइल और एंटर बटन को क्लिक किया। जैसे आपने फाइल लिखा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और फिर कॉपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। फिर आप ये डिजिट की वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपने लिखा है डिजिट इज इक्वल टू 0, ये 0 रहेगी। फिर आप ये व्हाइल लूप पे आएंगे, व्हाइल तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या कॉपी की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी की वैल्यू 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां तक आपको समझ में आया, डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आप नीचे लाइन पे आएंगे कॉपी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10, 5 यहां हो जाएगा 0, क्योंकि 10 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स आएगा। फिर उसके बाद 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स। तो आपको यहां ध्यान से देखना है, डिजिट की वैल्यू आपको मिला 1, डिजिट की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई 1। इस तरीके से आप यहाँ डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो एसक्यू के पास आएंगे, एसक्यू की वैल्यू हो जाएगी n इनटू n, n की इनिशियल वैल्यू आपने 5 लिया था जो आपने इनपुट लिया हुआ था, तो यहाँ 5 इनटू 5 करेंगे तो ये 25, एसक्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी 25। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे पावर कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे पावर के पास आएंगे, यहाँ पे आपने किया 10 कॉमा, यहाँ पे लिखा है आपने मैथ डॉट पावर 10 कॉमा डिजिट, डिजिट की वैल्यू है 1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10.0, आपने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया इसलिए मतलब सॉरी 1.0 आ जाएगा, ओ सॉरी 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर में 10, तो ये पावर की वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर के पास इफ कंडीशन पे आएंगे, यहाँ पे 25 मॉडुलस 10 डबल इक्वल ओरिजिनल नंबर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 25 मॉड 10 करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 5, क्या मिलेगा 5, ये रिमाइंडर। जैसे 10 को अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पे 10 टू 20 तो आपको 5 मिला रिमाइंडर, तो ये 5 रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। तो 5 डबल इक्वल 5, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तुरंत आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो इस तरीके से आप एक ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने सिंगल डिजिट का एग्जांपल लिया, अगर आप मान लीजिए मल्टीपल डिजिट होगा जैसे सपोज 25 नंबर होता है, इसका भी एग्जांपल अगर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, फिर से आपको समझा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अब यहां देखिए सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे आएगा एंटर द नंबर, फिर आपके यहाँ नंबर आपने सपोज एंटर कर दिया 25, अगर आपने नंबर 25 एंटर किया हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। उसी तरीके से कॉपी की वैल्यू भी 25 आपको मिलेगी, 25 ये भी हो गया। डिजिट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू आपने 0 लिया है तो यहाँ पे डिजिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप व्हाइल लूप पे आएंगे, व्हाइल पे आते हैं तो यहाँ 25 ग्रेटर देन 0
डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फिर कॉपी के पास आएंगे, कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइड बाय 10, 25 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो कॉपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिर आप लिखेंगे 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि फिर से ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। फिर आप डिजिट के पास आएंगे तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड टाइम। उसके बाद फिर से कॉपी के पास आएंगे, कॉपी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 10, ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0। तो यहां जब 0 आ जाएगा तो फिर से कंडीशन ये चेक करेगा, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स। इस तरीके से ये वाई लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तुरंत आप आ जाएंगे स्क्वायर के पास, तो यहां एस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25 × 25, क्योंकि एन की वैल्यू 25 है, तो आपको आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा? 625 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पावर कैलकुलेट करेंगे, तो यहां आप लिखेंगे पावर। अब यहां पे पावर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यहां आपने लिखा है मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज किया है, यहां 10 कॉमा डिजिट कितनी आपको फाइंड आउट होगी। आप ध्यान से देखिए लास्ट में डिजिट की वैल्यू है 2, तो 10.2 यहां लिखेंगे, तो 10.2 जैसे लिखते हैं तो ये 100.0 आ जाएगा, क्योंकि ये डबल वैल्यू देता है। आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, जैसे आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100। इस तरीके से पावर की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी 100। पावर की वैल्यू क्या मिल गई 100। उसके बाद इफ कंडीशन पे आएंगे, यहां इफ में एसक्यू की लास्ट वैल्यू 625 मॉडुलस 100 डबल इक्वल यहां पे है 25, इस तरीके से लिखा हुआ है, n की वैल्यू 25 है। अब आप जब इसको मॉडुलस करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर 100 को डिवाइड करते हैं 625 से तो 6 टाइम जाएगा, तो यहां 625 रिमाइंडर आया, तो यहां पे 25 डबल इक्वल किसके हो रहा है 25, ये जो 25 नंबर है ये 25 के इक्वल हो रहा है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। इस तरीके से आपको इस नंबर को क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज ये कंडीशन ट्रू होगी आपको ऑटोमॉर्फिक प्रिंट होगा, अगर सपोज कंडीशन फॉल्स होती देन आपको नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर फाइंड आउट हो जाता। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा तुरंत ऑटोमॉर्फिक नंबर, इस तरीके से आपके स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये वो पर्टिकुलर नंबर ऑटोमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको समझने के लिए इसी तरीके से सेम आपको आउटपुट एग्जीक्यूट करना हो। यहां तक आपको समझ में आया हो, देन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।